हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड, आज मैं आपको एमएक्स प्लेयर के बारे में कुछ फ़ीचर्स बताऊंगा इसके, मतलब जो मतलब के ज़रूरी फ़ीचर्स हैं वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो ये मैं अपना एमएक्स प्लेयर ओपन किया हुआ है। अब यहाँ सबसे ऊपर देखें, फोल्डर लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर क्लिक करना है। तो इसके सबसे पहले आ जाती है ऐप लैंग्वेज। यहाँ से आप लैंग्वेज वगैरह भी इसकी चेंज कर सकते हो, मतलब कि अगर आप किसी भी मुल्क में रहते हो वहाँ के हिसाब से आप इसमें लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, इंग्लिश, उर्दू, जैसी मर्ज़ी इसमें होगी। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखें, दूसरे नंबर पे डार्क थीम है, ये देखें फ्रेंड, ये डार्क थीम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ ये रात के लिए अच्छा होता है, बंदा डार्क मूड पर लगाए और अपना चलाए। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे नीचे व्हाट्सअप स्टेटस सेवर होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, वो तो व्हाट्सअप पे भी आजकल सेव हो ही जाते हैं। तो फ्रेंड इसका एक नया फीचर ये भी आया है, ये लोकल म्यूज़िक के नीचे देखें, फ़ाइल ट्रांसफ़र, यहाँ से हम फाइल सेंड रिसीव भी कर सकते हैं। ये इसका अपना है, मतलब कि जैसे शेयर्ड एज़ ऐप है वैसे ये भी है। इसमें से भी आप जो है ना एमएक्स प्लेयर टू एमएक्स प्लेयर जो है ना चीज़ें सेंड कर सकते हैं, और वो भी फास्टली। उसके बाद नीचे आ जाएं, ये लोकल म्यूज़िक ऑडियो म्यूज़िक होता है, इसलिए क्योंकि ये ज़रूरी नहीं थी इसलिए मैंने आपको बता नहीं। प्राइवेट फोल्डर पे आ जाएं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने पिन डालनी है। अभी मैंने पिन ये पहले से लगाई हुई थी। यहाँ पे आप कुछ भी हिडन करेंगे ना, मतलब कि जैसे मैं ये दो वीडियोज़ जो हैं इसमें ऐड कर दे दूँ, ये इधर आ गई हैं, ये देखें फ्रेंड पीछे से वो गायब हो गया डाउनलोड वाले। तो ये भी इसका अच्छा फीचर है। कुछ होती हैं वीडियोस वगैरह होती हैं, आप इसको प्राइवेट भी कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये थ्री लाइन के ऊपर सिलेक्ट की ऑप्शन है, आप एक ही बार में ऑल टू ऑल सिलेक्ट करके डिलीट कुछ भी, मतलब कि अगर आपने खाली करना हो मोबाइल तो ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद ये थ्री डॉट के साथ ये जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर आ जाए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखें लिस्ट है, गर्ट करेंगे इधर से डन करेंगे तो ये इस मोड पे हो जाएगी, मतलब कि पहले वो सीधी सिंपल थी, अब इस मोड पर हो जाएगी, ये इसकी लेआउट होती है। अब इसमें मैंने ये व्यू मोड पे देखें ऑल फोल्डर लगाया हुआ है, यहाँ पे आप फोल्डर करेंगे या फाइल करेंगे, फ़ाइल करके मैं आपको बताता हूँ। ये देखें ये फ़ाइल आ गई है, सारी वीडियोस जो है ना एक साथ बन गई हैं। फोल्डर के हिसाब से चलेंगे तो ये फोल्डर इंटरनल का अलग बन गया है, एक्सटर्नल का अलग बन गया। एक्सटर्नल में ये चीज़ें, इंटरनल में मतलब कि ऐसे आपको जो है ना इन्होंने सेपरेट कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स ये तो हो गया, इसके बाद ये शॉर्ट्स में या डेट टाइटल वगैरह इसमें होते हैं, तो शो हिडन फाइल्स, यहाँ से हिडन फाइल शो कर लेंगे। रेजोल्यूशन ये वगैरह जो है अगर आप यहाँ से ऑन करेंगे ना तो ये फिर सब कुछ आपको बताने लग पड़ेगा, टाइटल क्या है, रेजोल्यूशन कितनी है, पार्ट फ्रेम, ये सब कुछ जो है ना आपको फिर वहाँ पर बताने लग पड़ेंगे। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा एम एक्स प्लेयर के मुतालिक। इसका प्राइवेट फोल्डर बहुत ही अच्छा है, तो आप उसको भी यूज़ करना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।